तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक से लेकर देखो अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 है ना। और इन 12 अनुसूचियों में से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है। अब क्या क्या पूछा जाता है? कोई ना कोई अनुसूची पूछी जाती है, भाई ये विषय किस में है या ये चीज किस में है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको अनुसूची यानी शेड्यूल नंबर 1 से 6 बताने वाला हूँ बहुत जल्दी में। देखो अनुसूची 1 से 6, और 1 से 6 के लिए मैं आपको सबसे पहले तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका ही क्या है कि देखो, रब से राज कौमा अंजन मिले ममता से। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, अनुसूची 1 रा, अनुसूची 2 बा, अनुसूची 3 सा से, अनुसूची 4 राज, अनुसूची 5 क्या या अंजन हो गया, फिर अनुसूची 6 है। ये पूरा अनुसूची 6 आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रा से। तो कोई भी हो, अनुसूची नंबर 1 और चाहे अनुच्छेद नंबर 1 हो, अनुसूची हो या अनुच्छेद हो, जो भी चीज़ें शुरू होती है वो भारत से शुरू होती है। भारत क्या है? संघ एवं राज्यों का क्षेत्र, यानी राज्यों से एक संघ संघ क्षेत्र है और राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है रा, यानी राज्य एवं संघ क्षेत्रों का वर्णन। ठीक है, अनुसूची 1 क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। नंबर 2 क्या है? अनुसूची नंबर 2, 1 ये थी। 2 जो है आपके पास वह है वेतन, बा से वेतन। अब किन के वेतन? उच्च पदाधिकारियों के वेतन संबंधी। ठीक है, और अनुसूची 3 है, देखो राज्य एवं संघ क्षेत्र के अंतर्गत क्या होंगे? उच्च पदाधिकारी होंगे। ठीक है, रा से राज्य एवं संघ क्षेत्र, बा से अंतर्गत, उसके अंदर जब राज्य होगा, संघ होगा, पूरा भारत होगा, तो उसके अंदर अधिकारी भी होंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे। तो उन अधिकारियों के सबसे पहले क्या है? वेतन संबंधी, उनको वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, वेतन हो गया, भत्ते हो गया, पेंशन हो गया। ठीक है, ये सब है मामले हैं इसमें। फिर बा से वेतन हो गया, सात से जो आपके पास अनुसूची 3 है और इसमें लिखा गया है जो उच्च पदाधिकारी हैं। ठीक है, उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है ये। ठीक है, उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित। अब उच्च पदाधिकारी कौन है? ध्यान दीजिएगा, उच्च पदाधिकारी कौन है? अगर इनमें उच्च पदाधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, महालेखा परीक्षक है, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया, राज्यपाल के गवर्नर हो गया, या राज्य सॉरी राज्य के राज्यपाल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं वो लोकसभा एवं राज्य सभा के पदाधिकारी, इनसे संबंधित जो है ये बातें ये हैं यहाँ पर।
उच्च पदाधिकारी। अब रब से तो राज हो गया, ठीक है, सॉरी राज नहीं हुआ। तो अनुसूची नंबर 4, राज का मतलब क्या है? राज का मतलब है कि जो राज्य सभा के पदाधिकारी हैं, स्पेशली यहाँ पर राज्य सभा के पदाधिकारी यों से संबंधित है ये, ठीक है, कौन? राज। फिर अनुसूची 5, अनुसूची 5 है आपके पास, अंजन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शासन का प्रावधान। ये पूछा गया था भाई अभी हाल ही में किसी एग्जाम में मैंने देखा था। तो अंजन का मतलब है अनुसूची 5 की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शासन का प्रावधान, ये किस में है? अनुसूची 5 में। अब मिले अनुसूची 6, देखो मिले और ममता, देखो मिले का मतलब क्या है? मेघालय, ठीक है। एम का मतलब, एम ए का मतलब मणिपुर, ठीक है, मेघालय मणिपुर। और यहाँ पर ये ममता हो गया, मम का मतलब हो गया मणिपुर, टी का मतलब हो गया त्रिपुरा, ठीक है, 4 राज्य हैं ये, और ए का मतलब हो गया असम। अनुसूची 6 में इन राज्यों के लिए शासन का प्रावधान है, ठीक है कि नहीं? यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, देखो अनुसूची 5 में जनजातियों के लिए प्रावधान है, ठीक है, लेकिन अनुसूची नंबर 6 के लिए मेघालय मणिपुर त्रिपुरा और असम की जनजातियों के लिए शासन का प्रावधान है, कि जनजातियों के लिए शासन का प्रावधान, ठीक है। बहुत आसान है, रब से राज, रब से कौन मिला? राज, राज कोई व्यक्ति है, ऊपर रब से मिला। और अंजन किससे मिला? अंजन मिले ममता से, अंजन किससे मिला? ममता से मिला। तो इससे हमें अनुसूची नंबर 1 से 6 तक पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर कितना, 6 से ऊपर, यानी 7 के बाद है, क्योंकि 7 को बांटा गया है,